नज़े मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आप सबको पता है कि अभी दो दिन पहले किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी स्लोगन्स जंतर मंतर पर बोले गए हैं एक एक माइनॉरिटी के खिलाफ, जो मुस्लिम हैं हिंदुस्तान के, भारत के जो मुस्लिम हैं उनके खिलाफ बोले गए नारे इस कदर ओपन थे, और मैं मुझे वो बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब वो ब्रहना नारे एक अपनी ही कम्युनिटी के खिलाफ बोल सकते हैं तो हम तो वो कम्युनिटी हैं। मूल्य काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, ये इतना जहर। कहते हैं कि हम लोगों की एक कहावत है कि अगर कुत्ता काट ले तो उसका इलाज है, कैंसर हो जाए उसका इलाज है। हम अभी कोविड चल रहा है, कोविड का भी लोग इलाज ढूंढना शुरू कर दिया, अर्ली वैक्सीन आ गई, लोगों को उससे फायदा भी हुआ है। कोविड पर हमने बहुत कोशिश की के बाद, और हमारे जो सारी दुनिया के लोग हैं उन्होंने कोविड का इंजेक्शन लिया और वो वैक्सीनेटेड हुए और उन्होंने अपनी जिंदगियों को सेव किया है। तो हर बीमारी का इलाज, जो अब तक बीमारियां आ चुकी हैं उनका इलाज है और जो आ रही हैं उनका इलाज ईजाद किया जा रहा है। लेकिन लेकिन आपके कान में, अगर आपके कान कच्चे हैं, अगर आपको अपनी अकल पर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है और कच्चे कान हैं आपके, तो आप यकीन कीजिए कि इन कानों में जो बुराई का जहर घोला जाता है, जहर डाला जाता है, उस जहर का तोड़ दुनिया के किसी लेबोरेटरी में आज तक नहीं बन पाया है। और इससे न सिर्फ लोगों की जिंदगियां खराब हुई हैं, मुल्कों की क्या नाम है तकसीम हुई है, बल्कि इससे नस्लें बर्बाद हुई हैं, नस्लें बर्बाद हुई हैं। ये जहर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग, बीजेपी का जो एजेंडा है, आरएसएस का जो एजेंडा है मुसलमानों को के खिलाफ नफरत पैदा करने का, उसने पूरे 100 साल लिए हैं कानों में ये जहर डालने के लिए। और अब जनरेशन्स तैयार हो गई हैं, नन्हे नन्हे से बच्चे हैं। आप ये देखिए कि नन्हे नन्हे से छोटे छोटे यंग लोग, यंग बच्चे हमारे, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हो सकते हैं, जिन जो हमारे मुल्क को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाने की पावर रखते हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, आप उस प्यार का, ये पॉलिटिशियंस उस प्यार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कानों में नफरत का जहर घोल कर। आप पहले ये जो जंतर मंतर पर उस यंग लड़के ने, मुश्किल से 22-25 साल का होगा, ये लड़का जो नारे लगा रहा है, आप पहले इसे सुनिए। अब मैं बीप नहीं लगाऊंगी इस पर क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखिए आप, रहना होगा, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। ये जहर जो कानों में बोया, मैं पैदा किया गया है, डाला गया है, उस जहर से निकलना मुमकिन नहीं लग रहा। और इस जहर का इलाज दुनिया की कोई लेबोरेटरी नहीं बना रही है। क्या करेंगे आप? आप ये देखिए कि आपके बच्चों को एक भीड़ बनाकर, एक हुजूम बनाकर मार्केट में उतार दिया गया है और अपना एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन इन नेताओं के बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ दो ही मिसालें दे रही हूं, मिसालें तो बहुत सी हैं, लेकिन सी आप देखिए ये पिक्चर, आपको अंदाजा होगा कि ये जो बच्चे हैं, अगर इन्हें अपने मुल्क से इतना प्यार है, अगर इन नेताओं को अपने मुल्क को हिंदू राज बनाना है, तो अपने बच्चों को वहां रखकर आपके साथ खड़ा करें, आपके साथ खड़ा करें और तब वो नारे लगाएं, तब हम समझेंगे कि ये जो नेता हैं
वो वाकई अपने मुल्क से प्यार करते हैं कि इस भट्टी में, नफरत की इस भट्टी में इन्होंने अब अवाम के बच्चों के साथ, गरीब गुरबा के बच्चों के साथ अपने बच्चों को खड़ा किया है। दे आर ट्रू नेशनलिस्ट। पर ऐसा नहीं है, इनके बच्चे MIT में पढ़ते हैं, इनके बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, इनके बच्चे हार्वर्ड में पढ़ते हैं, और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? पुलिस ढूंढ रही है उनको। तो ये जो जहर कानों में भरा है, इस जहर का इलाज सिर्फ माँ बापों के हाथ में है कि वो अपने बच्चों को इस तरह की शाखाओं में जाने से रोकें, उनको इस नफरत का ईंधन ना बनने दें। हमने इस सिलसिले में अलीशान जाफरी से भी बात की और अलीशान हमारे साथ हैं। आइए थोड़ी सी बात उनसे सुन लेते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था और ये सब क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अलीशान, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे वतन की बात हम वतनों के साथ में। और इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, हिंदुस्तान की लाइफ में, भारत की लाइफ में, ये समझ नहीं आता है कि कहाँ से बात शुरू करें और फसाना कहाँ तमाम हो। लेकिन जो रिसेंट हुआ है वो इतना ओपन है और इतना मतलब डराने वाला है आम आदमी के लिए। जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ है 2 दिन पहले, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या इतना खुला और इतनी साफ धमकी, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, बहुत हो रहा है, मुसलसल हो रहा है हर तरह से। और जो इनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं RSS BJP की, वो कहीं ना कहीं से एक नई ऑर्गेनाइजेशन पॉपअप हो जाती है और कुछ कह के निकल जाती है, और फिर वो ड्रामा हो जाता है कि उनको पकड़ा गया और अरेस्ट किया गया और डाल गया, और फिर वो छोड़ दिए भी जाते हैं। मेरा पहला सवाल ये होगा कि क्या कोई मुसलमान, कोई दलित या कोई जाट या कोई क्रिश्चियन या कोई भी जो हमारी माइनॉरिटीज है इंडिया की, किसी भी माइनॉरिटी का कोई भी इंसान, चाहे वो दीवाना ही क्यों ना हो, इस तरह का कोई नारा आज के हिंदुस्तान में लगा सकता है? देखिए, इस तरीके के नारे की जो आपने बात की कि क्या कोई माइनॉरिटी ये नारा लगा सकता, तो माइनॉरिटीज पहली चीज ये नारा नहीं लगा सकते हिंदुस्तान में। ये बात मतलब बहुत पैराडॉक्सिकल होगी, और जंतर मंतर पर भी जो लोगों को लग रहा है कि ये पहली बार जंतर मंतर पर ये किस्सा हुआ है कि जंतर मंतर पर इस तरीके का नारा लगाया गया, कि जो नारा कुछ ऐसे था कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, ये नारा जंतर मंतर पर आज से लगभग 1.5 साल से लगातार लग रहा है। कई बार छोटी बड़ी मीटिंग्स होती रहती है जंतर मंतर पर, जहां इस तरीके का नारा बार बार सुनने को मिलता है। और कल का इवेंट क्योंकि काफी बड़ा था और उसमें लगभग 2,000 से 3,000 लोग शामिल थे, तो उनकी प्रेजेंस में इतने सारे लोगों के बीच वो नारा लगना और वो वीडियो वायरल हो जाना, तो इससे मुझे लगता है कि ज्यादा आप कह सकते हैं कि गुस्सा क्रिएट हुआ। और ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि क्या माइनॉरिटीज ये नारा लगा सकते हैं, सवाल दरअसल ये उठता है कि ये नारा किसके खिलाफ लग सकता है। तो ये नारा किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं लग सकता, ये नारा दलितों के खिलाफ नहीं लग सकता है हिंदुस्तान में। ये नारा मैं नहीं मानता हूँ कि दलितों के खिलाफ जंतर मंतर पे खड़े होकर ये नारा लगाया जाएगा। तो ये नारा लगाने के लिए जो अगर लगा पाएगा ये नारा, तो उसको ये पता होगा कि कानून उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा। जो ये नारा सरदारों के खिलाफ, सिख कम्युनिटी के खिलाफ या फिर क्रिश्चियंस के खिलाफ लगाएगा, उसको भी इस बात का डर रहेगा कि कानून उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। ये नारा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लगाया जा सकता है, इस तरीके का नारा, और वही रियलिटी है हिंदुस्तान की जिसमें हम जी रहे हैं। और मतलब मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि हिंदुस्तान में बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, लेकिन जिस ब्रेजननेस के साथ मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस करने और उस वायलेंस को एक तरीके से आप कह सकते हैं फख्र के साथ दूसरे लोगों तक ब्रॉडकास्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो एक कई लोगों में एक वो पैदा हो गई है कि हम जुनून है कि हम कई लोगों में ये चीज पैदा हो गई कि हम दिखाएंगे कि हम मुसलमानों के साथ दरअसल किस हद तक ब्रेजन हो सकते हैं, बदतमीज
बदतमीजी कर सकते हैं या फिर उनके खिलाफ हिंसा की बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि जैसा आपने भी कहा और हम सब देख रहे हैं कि बार बार ये चीजें जो वुड बी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे और अभी चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद बहुत बहुत बार इस तरह की चीजें कहते रहे हैं, उनकी मजलिसों में होता रहा है। तो ये जो नफरत का सैलाब उमड़ा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, ये सैलाब इलेक्शन का हिस्सा है या वाकई अब इनके अंदर इतनी नफरतें भरी जा चुकी हैं कि इनका ये अब सामने आ रही है हमारे? ये इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। ये इलेक्शन का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन हर दूसरे दिन होता है। देखिए ये इलेक्शन से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ये इलेक्शन का हिस्सा एक लेवल तक आप कह सकते हैं कि हाँ इससे कुछ ना कुछ किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचता है, किसी का पॉलिटिकल एजेंडा इससे आगे बढ़ता है, लेकिन ये इलेक्शन से बहुत आगे बढ़ चुका है और इसको इलेक्शन से जोड़कर देखना मेरे हिसाब से गलती है क्योंकि हिंदुस्तान में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का इलेक्शन होता है। और अब म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी मुझे याद है हैदराबाद में छोटे इलेक्शंस थे और उसमें ऐसा पोलराइजेशन, ऐसा कम्युनलाइजेशन हुआ था कि प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक पहुंच रहे हैं और तमाम ऐसे नेता जो कि नफरती तकरीरों के लिए मशहूर है वो बार बार बयान दे रहे थे। तो इस चीज का इलेक्शन से तो मुझे नहीं लगता है कोई लेना देना है। सिर्फ और हिंदुस्तान में वायलेंस का लेना देना एक कल्चरल पार्ट बन चुका है लार्जर हिंदू आइडेंटिटी का, या फिर आप कह सकते हैं उसको एक तरीके से गढ़ दिया गया है कि मुस्लिम विरोध या फिर मुसलमानों के लिए जो नफरत है ये एक बुनियादी चीज है जिस पर हिंदुस्तान के हर नागरिक को, खासतौर पर हिंदू नागरिकों को अग्री करना पड़ेगा और इस विचारधारा को मानकर चलना पड़ेगा। और इसको माने बिना हम ये नहीं मान सकते कि हिंदुस्तान कंप्लीट होता है। क्योंकि जिस तरह की नारेबाजी या मुसलमानों के खिलाफ एक तरह का जो पूरा एक नरेटिव तैयार किया गया है पिछले चंद सालों में, उसका रिजल्ट हम बार बार देख रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो सो मैनी आवाजें को दबाना हो, मुस्लिम जो हमारे जर्नलिस्ट हैं या हमारे जो आवाज उठाते हैं, हक की आवाज उठाते हैं, उन लोगों को जेल में डालना हो, यूएपीए हो और एनएसए हो, सारा कुछ। आई मीन यूएपीए और एनएसए क्या ये एक नॉर्मल लोगों के लिए कानून है, आम आदमी के लिए? नहीं, यूएपीए और एनएसए हिंदुस्तान में इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि मुसलमानों को नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में, इस शैक्षणिक जितने भी संस्थान है हमारे स्कूल कॉलेजेस, इन सब में किसी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दिया था। तो सरकार ने मुसलमानों के लिए किए, आप कह सकते हैं स्पेशल रिजर्वेशन है हिंदुस्तान में यूएपीए और एनएसए के फॉर्म में, सेडिशन के फॉर्म में, जो मुसलमानों को जिसमें 90% 50% से ऊपर भागीदारी मिलती है कि आपके लिए रखा गया है ताकि बाकी जगहों पर जहां आपको बराबरदारी नहीं मिल रही थी उसकी कमी पूरी करी जा सके, तो वो इसलिए रखा गया है। हाँ, तो लेकिन उसका इस्तेमाल तो जर्नलिस्ट के लिए हो रहा है। कप्पन साहब आज भी जेल में है, उमा खालिद आज भी जेल में है और कलिता आज भी जेल में है और ऐसे बहुत सारे लोग। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, आप वहां पर थे ना उस वक्त जंतर मंतर पर? नहीं, मैं उस वक्त जंतर मंतर पर नहीं था। रैली हुई थी वो बकौल पुलिस के कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, पुलिस के बगैर बताए ये रैली इतनी बड़ी वहां हो गई और इतने नारे लग गए और उसके विरोध में जब एक रैली हुई तो वहां पुलिस पहुंच गई, लोगों को पकड़ के ले गई, औरतों को पकड़ के ले गई और उनको बंद कर दिया या जो भी वो हुआ, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? जी, ये तो इसके आपने खुद ही सवाल से आपके क्लियर हो गया कि ऑप्टिक्स इसके क्या थे। इसके ऑप्टिक्स यही थे कि अगर हम मान भी लेते हैं पुलिस को नहीं मालूम था कि ये इवेंट होने वाला था जंतर मंतर पर, और सोशल मीडिया पे इसकी पोस्ट मौजूद थी, जर्नलिस्ट देख रहे थे, मुझ जैसे लोग देख रहे थे और बहुत सारे लोगों को ये बात पता थी कि जंतर मंतर पर ये चीज होने वाली है। जब वहां पर 1000 2000 3000
लोग जमा होना शुरू हो गए, तब पुलिस को ये बात इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि यहाँ पर कुछ है। स्टेज वहां पर तैयार था ही, तब पुलिस को पता था कि जंतर मंतर जैसी जगह पर अगर कोई स्टेज बन रहा होता है या फिर स्टेज तैयार किया जाता तो पुलिस को इस बात की जानकारी हो जाती है। इसके बावजूद अगर पुलिस ये कहती है कि हमें नहीं मालूम था, हम फिर भी मान लेते हैं कि पुलिस को नहीं मालूम था। आप इस चीज को कंपेयर कीजिए कि पुलिस ने जो एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया, जो हेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने गए थे, जो नारों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए थे, पुलिस ने उनको बसों में डाल दिया, पुलिस ने उनको किसी भी तरीके से असेंबल नहीं होने दिया। अगर और ये प्रोटेस्ट हेट के खिलाफ प्रोटेस्ट था, तो पुलिस का जो इसका एक ऑप्टिक्स आपके सामने हमारे सामने देखने में जो चीज आती है वो ये है कि अगर आप नफरत फैला रहे हैं तब पुलिस की सक्रियता खत्म हो जाती है। चाहे आप कह सकते हैं कि पुलिस वहां आपको या तो नजरअंदाज करती है, या तो आपको देखना नहीं चाहती है, या तो फिर आपको एक्टिवली प्रमोट करती है। लेकिन वहीं अगर आप कोशिश करते हैं कि उस नफरत का विरोध किया जाए या उस नफरत के खिलाफ आवाज उठाई जाए, तो पुलिस आपको रोकने के लिए आपको बसों में भर देती है, आपको डिटेन कर लेती है और वो इवेंट नहीं होने देती है। मैं कल ऐसे ही डिस्कशन में डिस्कशन का पार्ट था जिसमें एक फॉर्मर सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, दिल्ली पुलिस के ही थे, तो जिन्होंने ये बोला कि अगर पुलिस चाहती तो इस इवेंट को रोक सकती थी और नारे लगाते वक्त ही लोगों को अरेस्ट कर सकती थी। हाँ, पर पुलिस की ऐसी कोई मंशा नहीं थी इनको रोकने की। हाँ नहीं, तो मैं समझती हूँ कि पुलिस का भी एक अपना रोल है और वो ऑर्डर के तहत ही है, जो ऑर्डर उनको मिल रहा है वो फॉलो करना है, अदरवाइज विदाउट ऑर्डर वो कुछ नहीं कर सकती पुलिस। अश्विनी उपाध्याय और इन लोगों को अरेस्ट किया गया था, 5 लोगों, देखिए उसमें ये जो अरेस्ट हुए थे, मेरे हिसाब से, मैं जिस तरीके से इस अरेस्ट को देखता हूँ, मेरे हिसाब से ये एक आई वॉच था। ये इस तरीके का पब्लिक एंगर को एक तरीके से आप कह सकते हैं खत्म कर देने का, चुप करा देने का लोगों को, और लोगों के गुस्से को टेम्परेरीली शांत कर देने का तरीका था। मेरे हिसाब से अश्विनी उपाध्याय का जो अरेस्ट हुआ, उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो अरेस्ट गलत था, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय ने वो स्पीच नहीं दी थी, अश्विनी उपाध्याय ने वो नारे नहीं लगाए थे। अश्विनी उपाध्याय को आप इंस्टिगेशन के लिए या फिर वहां उस अनलॉफुल असेंबली के लिए, और जो जिस तरीके का के पोस्टर सर्कुलेट हो रहे थे और जिस तरीके के मैसेजेस जा रहे थे, उसके लिए उन पर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, उनको अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन उस नारों के केस में अश्विनी उपाध्याय को आप अरेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो चीज जो किसी ने बोली नहीं है उसके लिए उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। दूसरी चीज जो जिन लोगों ने नारे लगाए थे, आप देखिए नारे लगाने वाले शख्स थे उत्तम उपाध्याय और पिंकी चौधरी, जिन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली, तो पुलिस ने अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया है। और ना सिर्फ उनको, पुलिस का कहना है कि हम जगह जगह रेड मार रहे हैं लेकिन हमको ये व्यक्ति मिल नहीं रहा है, हम इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जबकि वो कम से कम 7 इंटरव्यूज मेन स्ट्रीम टीवी न्यूज चैनल्स को दे चुका है और दे रहा है, और अभी तक टीवी डिबेट्स में आ रहा है और बार बार नफरत फैला रहा है, बार बार मुसलमानों को गालियां दे रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बदबयानी कर रहा है और इस तरीके की बातचीत कर रहा है जिससे आप कह सकती हैं कि समाज में जहर और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये आप कह सकती हैं कि एक तरीके का जो ब्रेजननेस और जो इसकी पूरी इम्प्यूनिटी है, ये सामने हमारे साफ है कि इतने बड़े क्राइम के बाद भी कोई एक्शन नहीं होगा। ये देखा आपने, अलीशान भी वही कह रहे हैं जो हम आपसे कह रहे हैं कि इन नफरतों को खत्म सिर्फ माँ कर सकती है, उन बच्चों की जो सुबह उठा के उन्हें कुछ भी नहीं मिलना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और सिर्फ पॉलिटिक्स है। आपके बच्चे मारे जाएंगे या जेलों में जाएंगे या फसाद होगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा मर्डरर हो जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा खून करके आए किसी इंसान का? थिंक अबाउट इट एंड प्लीज की वॉचिंग BDC TV, वतन की बात, हम वतनों के साथ। साइनिंग ऑफ, रजिया मशकूर। प्लीज वॉच, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।